देयर आर सम एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस टू इट्स लेफ्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मेन पॉइंट क्या है, जरा देखिए, हमने यहाँ पर एक्सिस बना दिया है। पी एक पॉइंट है कहाँ का, एक्स एक्सिस का, तो जो ये एक्स एक्सिस है इसी पर कोई पॉइंट पी है। आगे लिखा है कि वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में 3 यूनिट पर, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो ओरिजिन हुआ, अब यहाँ से लेफ्ट साइड क्या हुआ, इस साइड में चलेंगे, कितना यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, यहाँ पर आपका पी पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, -3, -3, 0, 0, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, -3, 0, दैट इज ऑप्शन सी, वेरी गुड, ऑप्शन सी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस आर। ऑप्शंस आर a, 0, 0b, 0, 7b एंड 7a, 0, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इक्वेशन दी गई है ये x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 7। खास बात क्या है कि ये जो भी लाइन होगी ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और y इन पॉइंट को अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर जो कोऑर्डिनेट ऑफ y होगा वो 0, y होगा y एक्सिस पे, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी वहां पर, 0 होगी। तो हमको पता लगाना है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, हमें कंफर्म होगा कि x की वैल्यू 0 होगी तो हम इसमें पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, 0 अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 7, ये तो पूरा 0 हो गया, इट मींस y अपॉन b इक्वल टू 7 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 7b। तो ये तो y की वैल्यू आ गई, कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0, y, तो y की वैल्यू क्या, 0, 7b, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा तो यहां पर आप टिक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओएबी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए 4, 0, b, 0, -7 एंड ओ इज ओरिजिन इज 11 स्क्वायर यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स, 28 स्क्वायर यूनिट्स, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम आपको थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझा दें कि सपोज दैट कोई ट्रायंगल दिया गया हो ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इनके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ देखो, हमने एक सर्किल बनाया हुआ है जिससे कि आपको पता चले कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगेन 1 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करने का तरीका हुआ, हाफ मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉड का मतलब होगा उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव या पॉजिटिव, फाइनली पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, मॉड 5 इक्वल टू 5 बट मॉड -5 ऑल्सो इक्वल टू 5, देखो पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, प्लस की भी प्लस रहेगी और माइनस की भी प्लस रहेगी, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट इतना हुआ। तो हम यहाँ पर लिखें 1/2 मॉड x1 into y2 - y3, ये कैसे लिखा गया ध्यान से सुनोगे, x1 से शुरू करेंगे, x1 y2 - y3, देखिए 1, 2, 3 क्रम से है, x1 बाहर होगा, y2 और y3 ब्रैकेट के अंदर होंगे, x1 into y2 - y3 प्लस x1 के बाद x2 आएगा, x2 जब बाहर होगा तो y3 - y1 प्लस x3 बाहर होगा y1 - y2, ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। अब आपको इसी फार्मूले का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ओ ए बी का। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया जिसकी एरिया आपको फाइंड करनी है, ओ ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा, ए का कोऑर्डिनेट 4, 0 दिया है, बी का कोऑर्डिनेट 0, -7। हमने फार्मूला अप्लाई करने के लिए एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3 मान लिया, किसी को आप x1 y1 मान सकते हो, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसी को माने, x1 y1 यहाँ पर, x2 y2 यहाँ पर, x3 y3 यहाँ पर भी एज्यूम कर सकते हो। अब आइए, ये फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर ए बी सी का है तो यहाँ पर हम ओ ए बी लिख देते हैं, हाफ रहेगा
एक्स वन, एक्स वन वहां पर देखिए क्या है, जीरो, ठीक है, जीरो इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू देखिए कितना है, जीरो है, वाई थ्री कितना है, तो प्लस सेवन हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, वैसे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि जीरो से इंटू है, लेकिन मैंने आपको पुट करना सिखा दिया। प्लस एक्स टू, एक्स टू देखिए कितना है, फोर है, ठीक है, एक्स टू क्या है, फोर है, और यहाँ से अब क्या होगा, x2 के बाद y3 थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री देखिए क्या है, माइनस सेवन और माइनस वाई वन जीरो है, प्लस x3, x3 देखिए कितना है, जीरो है, अब जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होगा, लेकिन लिख देते हैं y1 वन माइनस वाई टू, जीरो माइनस जीरो, ठीक है ना, ये मैंने पूरा पूरी वैल्यू पुट कर दिया, इतफाक से यहाँ जीरो हो रहा है, हो सकता है जीरो ना होता, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, वन बाई टू, ये तो बेटा पूरा जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, तो इसको जीरो प्लस, यहाँ देखिए कितना हो गया, ये हाँ माइनस ट्वेंटी एट होगा, माइनस ट्वेंटी एट होगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये आ गया मॉडुलस में माइनस ट्वेंटी एट, अब माइनस ट्वेंटी एट को मैंने बताया मॉड माइनस ट्वेंटी एट पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज ट्वेंटी एट, अब ये टू से कैंसिल होकर के आ जाएगा फोर्टीन यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट चाहे जो लिख दो, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, None of these, 14 उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हुआ, इसका राइट आंसर हुआ None of these, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द लाइन x बाई टू प्लस वाई बाई फोर इक्वल टू वन इंटरसेक्ट्स द एक्सिस एट पी एंड क्यू, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू है कहां पर, पी एक्स एक्सिस पे है और क्यू वाई एक्सिस पे है, तो उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर पी एक्स एक्सिस पे है तो वहां पर उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा जीरो, जीरो कौन हो रहा है, वाई हो रहा है, इसका मतलब लाइन कौन सी है, ये है, तो अगर हम वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो हमको पी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो यहां पर क्या करेंगे, पुट वाई इक्वल टू जीरो, तो देखो क्या मिलेगा, x बाई टू प्लस जीरो प्लस इक्वल टू वन, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू टू मिलेगा, तो कोऑर्डिनेट क्या बना, टू कॉमा, टू कॉमा जीरो, तो टू कॉमा जीरो कहां पर है, यहां पर है, ये आपका पॉइंट क्या हो गया, p, टू कॉमा जीरो, समझ में बात आ गई। आगे देखो, अब की बार क्या होगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या जीरो कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो कॉमा वाई, एक्स जीरो होता है, x को जीरो पुट कर लिया जाए, पुट x इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, जीरो प्लस वाई बाई फोर इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू कितना हुआ, फोर, कोऑर्डिनेट क्या हुआ, जीरो कॉमा फोर, तो जीरो कॉमा फोर आपको यहां मिलेगा, q, दैट इज जीरो कॉमा फोर, आपको p मिल गया और आपको q मिल गया। अब पी क्यू को ज्वाइन किया जाए, पी क्यू को ज्वाइन किया जाए, तो ये लाइन सेगमेंट मिल गई पी क्यू, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा उसको सीधा कर देते, ठीक है ना, पी क्यू मिल, अब कह रहा पी, ये जो मिल गया पी क्यू, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा, एम एज्यूम कर लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, एक्स कॉमा वाई, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये फार्मूला होता है। अब कोऑर्डिनेट आपको पता है, देख लो, जीरो फोर टू जीरो, पता है ना, तो जीरो प्लस टू बाई टू और फोर प्लस जीरो बाई टू, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, वन कॉमा टू, तो वन कॉमा टू, इट मीन्स जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, वन कॉमा टू, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 5 इक्वल टू जीरो इज, ये दो लाइन दी गई हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, तो ये आपकी लाइन है 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, ये वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, तो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन ऑलवेज
जो लाइन होती है वो या तो एक्स के पैरेलल होगी या तो वाई के पैरेलल होगी, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू दी गई है, इट मीन्स वाई के पैरेलल होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x इक्वल टू माइनस फोर देन एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स पर माइनस टू ढूंढिए, ये हुआ। तो अब एक लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर लेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल में, तो ये आपकी लाइन मिलेगी। ये कौन सी हुई, एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये लाइन ये हुई, उसकी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू फाइव आएगा, तो यहाँ पर देखिए फाइव है, इसको हम लाइन को पूरा कर देते हैं, डॉटेड से है, ये लाइन हो गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स इक्वल टू फाइव, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन बन गई, इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा, तो यहाँ से ये लाइन कितनी दूर है, तो यहाँ से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये पाँच यूनिट इधर है और ओरिजिन से दो यूनिट ये इधर है, तो कितना हो गया, फाइव टू सेवन यूनिट्स। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो माइनस टू है, फाइव माइनस टू थ्री होगा, वो गलत होता है, डिस्टेंस है पॉजिटिव लिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेवन यूनिट्स होगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिक्स, क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5 cos 35 डिग्री कॉमा जीरो एंड 0 कॉमा 5 cos 55 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हम मान लेते हैं कि PQ दो पॉइंट्स इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, इसका कोऑर्डिनेट ये दिया गया, इसका कोऑर्डिनेट ये दे दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, PQ इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखते हैं एक्स वन किसी में से घटा लो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, फाइव कॉस 35 डिग्री माइनस जीरो, ठीक। कोई घबराना नहीं कि इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें हमने इसको एक एक्स वन वाई वन मान लिया, इसको एक्स टू वाई टू मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस क्या हो जाएगा, अब इसमें से घटाएं, ये से जीरो माइनस फाइव कॉस 55 डिग्री, यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बता सकते हो सर, 5 cos। ये देखो यह माइनस जीरो से कोई मतलब नहीं हो जाएगा, 25 cos स्क्वायर 35 डिग्री, बेटा स्क्वायर लग जाएगा ना, तो 35 में ये एंगल होता है इसमें नहीं लगेगा, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री लिखा जाएगा, कॉस था कॉस स्क्वायर 5 का 25 हुआ, ठीक है ना, सही है ना। आगे बढ़ेंगे, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 25 कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, ठीक है ना। अब बेटा एक चेंज होता है, एक चेंज आता है कि इसमें आप कॉस सेक में नहीं, एंगल चेंज होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कि अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो देखो 25 इसको चेंज करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर में हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन एंगल बदल जाएगा, एंगल क्या होगा, 90 माइनस 35 करके बताओ कितना हुआ, 90 माइनस 35 55, तो यहाँ पर ये 55 डिग्री लिख दिया जाता, मतलब कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते जो एंगल दिया गया, तो ये साइन में कन्वर्ट हो गया, प्लस 25 कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। देखिए क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दिया। अब जरा देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर बेटा कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, 25 और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, और इसकी वैल्यू 1 होती है, एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंगल चाहे जो हो, सेम एंगल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो सकता है, इसकी टोटल वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 यूनिट्स। तो ऑप्शन देखो, कोई 5 यूनिट दिया गया होगा आपको, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिक्स भी कंप्लीट हुआ, ओके।